हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम लर्न के एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 2 जून से आपका वर्ल्ड कप T20 2024 का चालू होने वाला है। उसके लिए आपका मैनेजर मोड आ चुका है, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप ड्रीम लर्न ऐप को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद जो नीचे मोड से इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस तरह ओपन हो जाएगा। फिर नीचे लिखा है मैनेजर मोड न्यू, इस पर टच कीजिएगा। फिर यहाँ से इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। दो प्रकार के यहाँ पर चैंपियंस लीग है, एक है आपका मैनेजर ऑफ द लीग और एक है आपका मैनेजर ऑफ द वीक। तो मैनेजर ऑफ द लीग में जो प्राइज है इस पर टच कीजिएगा, तो जो इसमें आपको प्राइज मिलेगा, ठीक है, जो नंबर 1 होंगे उनको टाटा सफारी मिलेगी, नंबर 2 पर रॉयल इनफील्ड, नंबर 3 पे MMT भाउचर, नंबर 4 पे क्रोमा भाउचर, नंबर 5 पे आईफोन, 6 से 15 फ्लिपकार्ट, 16 से 100 1 लाख DC, 201 से 200 तक 60,000 DC, 201 से 250 तक 40,000 DC, फिर 501 से लेकर 1,000 तक ड्रीम इलेवन डिस्काउंट 500 रुपये का, फिर 250 रुपये, फिर 200। इस तरह का करके आपको टॉप 20,000 जो भी लोग होंगे उनको यहाँ पे प्राइस मिलेगा, ठीक है। फिर आपका जो मैनेजर ऑफ द वीक है, इसकी प्राइस जाने के लिए इस पर टच कीजिएगा इस प्रकार से। तो जो वीक पहला चलेगा आपका, और जो पहला मैच है वो USA और कनाडा के बीच में 2 जून को सुबह में 6 बजे से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर 1 होंगे उन्हें आईफोन, नंबर 2 पे MMT भाउचर, फिर अमेजन भाउचर, DC, इस तरह करके आपको मिलेगा। टीम बनाने के लिए यहाँ पर लिखा है कि क्रिएट टीम टू ज्वाइन, इस पर टच करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या यहाँ पर लिखा है कि ज्वाइन फॉर फ्री, आप इसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इस पर टच किया, टोटल आपको 175 ट्रांसफर मिलेंगे, ठीक है। यानी पूरे वर्ल्ड कप में आपको जितने भी मैच है 175 ट्रांसफर ही मिलेंगे, और ये खत्म होने के बाद आप इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, या दोबारा किसी भी तरीके से आपको यह नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा और सोच समझ के आप जो भी ट्रांसफर है उनका यूज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड कप में मात्र एक ही बार आपको मिलता है, ठीक है ना। अगर एक बार खत्म हुआ तो फिर आपको यह नहीं मिलेगा। सो आपको इसका ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे डेमो के लिए मैंने एक टीम क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट पे टच, कैप्टन वाइस कैप्टन हमने इस प्रकार से चूज कर लिया, ठीक है। और ये जो लीग है मैंने सक्सेसफुली ज्वाइन कर लिया। जैसे ही आप टीम क्रिएट करेंगे आप इस कॉन्टेस्ट में ऑटोमेटिकली ही ज्वाइन हो जाएंगे, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी आपको जो भी बूस्टर और ट्रांसफर मिलेंगे उसी को पूरे टूर्नामेंट के दौरान यूज करना है अपने टीम का ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पाने के लिए। तो फिर यहाँ पर लिखा है कि ओके गॉट इट, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस स्टेप से आपका आ गया, आपको यहाँ पे 10 बूस्टर मिले हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इस पर टच किया तो यहाँ पे आपको 10 बूस्टर दिख रहे हैं, ठीक। डबल अप बूस्टर 2 मिले हुए हैं, ठीक। इस बूस्टर का जब भी आप यूज करेंगे तो आपके टीम में जो भी प्लेयर होंगे उनका जो पॉइंट है उस मैच में जो भी परफॉर्मेंस होगा वो डबल हो जाएगा। पावर बाय बैटर भी आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। जिस भी मैच में आप इसे यूज करेंगे उस मैच में जो भी आपके बैट्समैन होंगे उनके पॉइंट डबल हो जाएंगे। फिर है आपका पावर बॉलर, जिस भी मैच में इसे आप यूज करेंगे उस मैच में जो भी आपके बॉलर होंगे आपके टीम में उन्हें उनका जो पॉइंट है वो डबल हो जाएगा, यह भी आपको 2 मिलेगा। फिर है पावर विकेट कीपर, जिस भी मैच में आप इस पावर बूस्टर को यूज करेंगे उस मैच में जो भी आपके विकेट कीपर होंगे उनके पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। फिर है कि पावर ऑलराउंडर, इससे आप जिस भी मैच में यूज करेंगे उसमें जो भी आपके टीम में ऑलराउंडर होंगे उनका जो पॉइंट होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि अब आपको इसको यूज कैसे करना है बूस्टर को, ठीक है। आपने टीम क्रिएट किया, इस प्रकार से आप ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे 175 ट्रांसफर मिलेंगे, फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं कि ये 175 ट्रांसफर आपको पूरे वर्ल्ड कप मैच के दौरान ही मिलेंगे। एक बार खत्म होगा तो फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, उसके बाद आप प्लेयर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि मैनेज टीम, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ऊपर लिखा है बूस्टर्स, इस पर टच कीजिएगा,
ठीक, यहाँ से जो भी आपको बूस्टर यूज करना है, मान लीजिए कि अगर आपको डबल अप बूस्टर यूज करना है तो इस पे टच कीजिएगा, फिर नीचे लिखा है अप्लाई, इस पर टच कीजिएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक, फिर सेव, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी टीम में अपडेट हो जाएगी आप बूस्टर यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है डबल अप, तो जो भी आप बूस्टर जिस भी मैच में यूज करेंगे उसका नाम यहाँ पे शो कर देगा। फिर देखिए पहले 10 बूस्टर था, अब यहाँ पे बच गया है कि 9 बूस्टर, यानी मैंने एक बूस्टर यूज कर लिया है उसको हटा के अब मेरे पास 9 बूस्टर बचे हुए हैं, ठीक है। और जो भी यह बूस्टर है आपको मैच चालू होने से पहले ये यूज करना होता है, मैच के दौरान या मैच के बाद आप उस मैच में यूज नहीं कर पाएंगे, इस चीज का जरूर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका क्रिएट लीग, आप चाहें तो यहाँ से कोई प्राइवेट की क्रिएट जो भी लीग है आप प्राइवेट तौर पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे आपका इस प्रकार से मैंने 20 लोगों का कि यहाँ पे किया, ये लीग आपका इस प्रकार से क्रिएट हो गया, जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको यहाँ पे शेयर ऑप्शन से शेयर करके आप उनके साथ खेल सकते हैं, या यहाँ पे लिंक है ऑप्शन, ठीक है, आप इस पर भी टच करके आप जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं। वैसे हम इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अगर आपको बाय द वे अगर खेलना हो तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी नहीं ज्वाइन भी करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो 155 मैच होंगे उसके लिए होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो माई लीग है तो ऊपर है मैनेजर ऑफ द लीग, इस पर टच करके, ठीक है, आप अपना जो भी प्रेजेंट रैंक है उसे देख पाएंगे, विनिंग पे टच करके कौन सा आपको प्राइज मिलेगा वो चेकआउट कर पाएंगे इस प्रकार से, ठीक। फिर आपका मैनेजर ऑफ द वीक है, इस पर टच कीजिएगा, यहाँ से टच करके जो इस में जो आपका प्रेजेंट रैंक होगा उसे चेक कर पाएंगे, फिर विनिंग जोन में जाके यहाँ का जो प्राइज है इसे आप विनिंग में जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका टर्म्स एंड कंडीशन आप टच करके जान सकते हैं, ठीक। वैसा अगर आप नहीं देखना चाहते तो वीडियो के कमेंट में बताइए, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन की वीडियो एक अलग से बना के हम आपको बता देंगे कि इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ठीक है। फिर ये हो गया आपका। फिर यहाँ से अगर मान लीजिए कि किसी में अगर मैनेजर मोड शो नहीं कर रहा, कोई आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसा है, तो यहाँ पर शेयर नाउ का ऑप्शन है, इस पर टच करके आप उसे शेयर कर सकते हैं। जैसे ही वो उस लिंक पर टच करेगा डायरेक्टली जो मैनेजर मोड है उसका उसके फ़ोन में ओपन हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर कि शेड्यूल, इस पर टच कीजिएगा, यहाँ पर जो भी मैच के शेड्यूल हैं वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है, कि कौन मैच कब से ये किस तारीख को है, किस डेट को है, इस प्रकार से आप चेकआउट कर सकते हैं सारे मैच का। फिर यहाँ पे कि स्टेट्स हब, यहाँ पे कुछ आपको एनालिसिस दिया जाता है जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी नहीं है, कमिंग सून दिखा रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में आ जाएगा, टाइम टू टाइम आप यहाँ पे चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका मैनेजर मोड। उम्मीद है कि आप जान चुके हैं आपके वर्ल्ड कप 2024 के लिए मैनेजर मोड क्या है, जिस तरह आप IPL में खेलते थे उस प्रकार से आपको भी यहाँ पे खेलना है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपकी वीडियो चाहें तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक ले मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।